हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हम नंबर सिस्टम पे जो एक टॉपिक है उसका एपी, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे एक टॉप एक जो फॉर्मूला था उस पे बेस्ड मैंने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराए हैं। अभी हम दूसरा फॉर्मूला है एस एन इज्क्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें क्या क्या है, एस एन क्या है, ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपका जो एपी का बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास जो एग्जाम में आप क्वेश्चन आते हैं वो सिंपली नहीं आएंगे कि आपको दिखा रहेगा कि ये एपी है या जीपी है तो आपको सिंपल सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन इस टाइप के फॉर्म में देगा कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन एपी का है, और आप छोटे से लेकर बड़ा कोई भी एग्जाम हो उसमें एपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज नंबर सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी एग्जाम। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स। आपको सम ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, प्रथम 45 जो फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स कैसे हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड ये जाएगा 45 तक। ओके, अब देखिए, अब इसमें हमको एस एन फाइंड करना है, उनका सम, एस का मतलब सम। ओके, एन हो गया इसमें 45। ओके, 45 टर्म्स का 45 बाय 2 ए होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 1, 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1, एन हमारा अगेन 45 हो गया, 45 माइनस 1 एंड डी। इनके बीच का गैप कितना है, डी होता है, सारवंतर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। डी डिफरेंस कितना है, सबके बीच का डिफरेंस 1 है, तो डी हो गया आपका 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45 बाय 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 45 में से 1 माइनस हुआ 44, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 ही आएगा। अब ये हो जाएगा 45 बाय 2 इंटू 44 और 2 46, और 2 से कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 23। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 23 एंड 45 को, एंड 45 और 23 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 1035, विच इज द आंसर। मतलब जो फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स हैं, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या हैं, उनका योग होगा 1035, 1035, 1035। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक गुड लक फ्रेंड्स, बाय बाय।